Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris and you are watching Target Road. So my dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को. किसको देखने वाले हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को. ज़्यादा लंबा वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, है ना. तुरंत आप लोग की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. लेकिन हम कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिनसे आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. इम्परफेक्ट का यदि हम बात करें तो इन्हीं का दो तीन नाम है. इम्परफेक्ट का ही एक और नाम से हम जानते हैं. किस नाम से? कंटिन्यूअस नाम से जानते हैं, है ना. और तीसरा इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं. तीन नाम से इसे जानते हैं. अब इनकी डिफिनेशन की यदि हम बात करें तो आप लोग को पहले से पता है, रहा था, है ना, रही थी, आप लोग को पता होगा, रहे थे. तो ये जो डिफिनेशन है ये तमाम डिफिनेशन यूज किए जाते हैं किसके लिए? ट्रांसलेशन के पर्पज से. ट्रांसलेशन के पर्पज से. बट हम लोग ट्रांसलेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर पढ़ रहे हैं. तो ग्रामर में इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा कि एक ऐसा एक्शन, आप लोग लिख सकते हैं, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअस रहा हो. कंटिन्यूअस बोले तो जारी रहा हो. तीनों का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो हुआ, जा रहा है, रुका नहीं, है ना. और ये कैसा एक्शन होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? पास्ट में. तब जाके इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कहने का मतलब हम बोले कि वह खेल रही थी. हम क्या बोले? वह खेल रही थी. तो खेलने का काम कब हुआ? पास्ट में स्टार्ट हुआ. और वो पास्ट में वो एक्शन क्या रहा? जारी रहा. कि वह क्या कर रही थी? खेल रही थी. वो क्या कर रही थी? खेल रही थी. हम बोले कि मोहन पढ़ रहा था. मोहन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था. तो मोहन पढ़ रहा था तो पढ़ने का काम कहाँ? जैसे हम बोले मोहन कहाँ है रे, तो आप बोले कि मोहन पढ़ रहा था. मतलब इनका पढ़ने का जो प्रक्रिया है वो पास्ट में उसने देखा कि पढ़ रहा था. और मे बी उनका जो एक्शन है वो अभी भी क्या है? जारी है. तो इसलिए वो क्या बोल दिया? कि मोहन पढ़ रहा था. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस हो. क्या हो? कंटिन्यूअस हो. वो भी क्या? पास्ट में. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो क्या? लगातार जारी रहा हो. तो वो कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाएगा. तो ये तो हुई हमारी डिफिनेशन. अच्छा, एक चीज़ आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज आप लोग मुझे बहुत ऊपर पहुँचा दिए. क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में लमसम जितने भी स्टूडेंट हैं आदि जो स्टडी कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लमसम सारे स्टूडेंट मुझे जान रहा है. और ये आप लोग का प्यार है. यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद यहाँ तक हम बिल्कुल भी नहीं पहुँचते. मेरा एक ही लक्ष्य है अब कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका इंग्लिश वीक कहता है ना कि बिहारी का इंग्लिश वीक है, तो हम उसका इंग्लिश क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे. ये क्रिस सर का वादा है. बस आप लोग जुड़े रहिएगा एग्ज़ाम के बाद जो है. और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्रिस सर सर्च करके, ठीक. एग्ज़ाम के बाद 11-12 मैं आपको फुल्ली पढ़ाने वाला हूँ. उसके साथ आपकी स्पोकन भी होगी. इतना A to Z, समझ रहे हैं ना. और यहाँ पे जो मैं आपका लेवल करवा रहा हूँ वो लेवल है 10th का. तो इसलिए मत मुझे कहिए कि सर इतना कम पढ़ा रहे हैं. बहुत कम हम पढ़ा रहे हैं. ये बहुत कम है. आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये एनफ है. लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? कम है. जब आप लोग 11-12 में आइएगा क्रिस जीनियस क्लासेस पे, है ना, तो वहाँ पे आपको मैं बिल्कुल जैसे यहाँ पे टारगेट बोर्ड पे आपको मिल रहा है सारा चीज़, उसी तरह से आपको क्रिस जीनियस क्लासेस पे मिलेगा. इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले. आप मन लगा के पढ़िए. 10 का अच्छा से आप मार्क्स लाइए, टेस्ट दीजिए. उसके बाद फिर भिड़ जाइए किस पे? इस पे. और जैसे एग्ज़ाम दे आइएगा तो रुकना नहीं है. स्पोकन के लिए फटाक से जुड़ जाना, क्योंकि स्पोकन जो है हम 1 तारीख से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक. तो इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन होगा और क्लास जो है आप लोग की अब रेगुलर चलेगी. क्योंकि मेरी तबीयत अब खना खन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के दुआ से. ओके, तो इसलिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू दिल से. चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारा लेवल क्या है? 10th का. इसलिए एकदम पूरा बेसिक है. जब हम लोग 11th में आइएगा, बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से एडवांस, और फिर उसका पूरा क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे. तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में वो खत्म नहीं हुआ बल्कि वो क्या चलता ही रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. और इसको इंग्लिश में पकड़ने का सिंपल तरीका है
क्या तरीका है, तो स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए और कहीं पे भी इनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर हमारा चार यहाँ पे बन के आ जाएगा, जैसे हर एक टेंस में हुआ था पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसके बाद क्या निगेटिव, उसके बाद क्या यस या नो, और उसके बाद क्या डब्लू एच। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले रखिए सब्जेक्ट को, उसके बाद क्या रखिए वाज या वेयर, और याद रखिएगा जब कभी भी वाज या वेयर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म फोर्थ फॉर्म आ जाए है ना, तो वो हमारा कहलाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। निगेटिव की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस क्या हो जाएगा नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या कंप्लीमेंट, यस या नो में हो जाएगा हमारा वाज या वेयर प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या कंप्लीमेंट, और लास्ट जो डब्ल्यू एच हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यदि नोट है तो नोट देंगे नहीं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक, तेजी में लिखिए फटाफट, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट, जितने भी स्टूडेंट हैं स्क्रीन शॉट ले लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मैं परफेक्ट ढंग से यहाँ पे मार्कर भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट ढंग से आप लोग की चल रही होगी, ओके दिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि वाज या वेयर। ठीक, अब समझ लीजिए, आपको तो पहले से ऑलरेडी पता है एस फोर मतलब क्या सब्जेक्ट बता चुके हैं, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं डूअर को कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं डूअर को। अब एक वर्ड यहाँ पे वाज या वेयर है ना, तो वाज या वेयर किसको डिनोट्स करता है याद रखिएगा, वाज या वेयर हमेशा डिनोट्स करता है पास्ट को, याद रखिएगा। इसको हम बोल सकते हैं वर्ब में क्या जोड़ना आई एन जी जोड़ना, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं ढेर सारे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब एक ट्रिक याद रखना आप लोग के दिमाग में, क्या ट्रिक रखना है आई होप आप लोग की ये उतार लिए होंगे कहीं कोई दिक्कत, आप ट्रिक ये याद दिमाग में रखना है कि कैसे हम पकड़ेंगे इंग्लिश में कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो आप ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा के रखिए, तभी ये होगा, और तभी जाकर आप वॉइस भी समझ पाइएगा, तभी जाकर आप नैरेशन भी समझ पाइएगा। ठीक, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, हम सब चीज़ क्या करा देंगे प्रॉपर वे में खत्म करवा देंगे, बस आप लोग बरकरार रहिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक याद रखिएगा कि जब कभी वाज या वेयर, क्या वाज या वेयर के जस्ट तुरंत बाद, जस्ट तुरंत बाद वर्ब का कौन सा फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में क्या जोड़ा हुआ फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा हुआ आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा हुआ आई एन जी। देखिए बताते हैं कैसे, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा। ठीक, जैसे हम लिखे आई, हम लिखे आई वाज, हम लिखे आई वाज प्लेइंग, क्या हम लिखे आई वाज प्लेइंग, तो जैसे हम वाज देखे, क्या देखे वाज, और उसके बाद क्या देख रहे हैं आई एन जी फॉर्म, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा पास्ट इम्परफेक्ट, ये टेंस कौन सा हमारा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, अब जैसे हम देखें सी, सी वाज रनिंग, इसमें कुछ है ही नहीं, रनिंग इन द फील्ड, ये कौन सा कहलाएगा हमारा पास्ट इम्परफेक्ट, किससे पकड़ लिए वाज से। जैसे हम बोले यू वेर ईटिंग ए मैंगो, ठीक, तो इससे भी हम पकड़ लिए किससे वेयर से पकड़ लिए, और उसके बाद क्या आया आई एन जी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पकड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दम दुरुस्त है नहीं। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें कहीं कोई दम दुरुस्त नहीं है, बस आप क्या रखिए स्ट्रक्चर याद रखिए बेसिकली, और सारा चीज़ क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। तो इसमें यदि आपको कहीं कोई डाउट होता है तो मुझे बोलिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, यदि हम वाज वेयर को देख रहे हैं तो हम उसके क्या करेंगे यूज कर देंगे। अब एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, कभी कभी क्या कर देते हैं सेंटेंस बना के आपको दे देंगे, क्या दे देंगे, जैसे दे देगा आई डैश रीडिंग, इसको समझ लीजिएगा रीडिंग ए बुक, आई डैश रीडिंग ए बुक। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, देखिए क्या इसको हम दो तरह से भरेंगे, कैसे दो तरह से, ऑप्शन देखिए समझिए, ए में हम दे दिए क्या गौर से समझिएगा वाज, बी में हम क्या दे दिए वेयर, और सी में हम क्या दे दिए हैव, और डी में हम क्या दे दिए हैड। ठीक, ये हुआ। अब देखिए एक तो ये हो गया, ये पहला टाइप, दूसरा टाइप आपको ऐसे दे देगा, दूसरा टाइप हम दे रहे हैं, इसमें दे दिए एम, बी में दे दिए एज, सी में दे दिए हैव, और डी में दे दिए हैड।
ठीक, दोनों कंडीशन में ये सही होगा। यदि आप मान के चलिए ऑप्शन ये आता है आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या भरिए, वाज भरिए, क्या भरिए, वाज। यदि आपका ये नहीं आया बल्कि ये आ गया ऑप्शन में, तो आप बिल्कुल भी वाज नहीं भरिएगा, आप क्या भरिएगा, एम भरिएगा। बात समझ में आया, ये हमेशा याद रखिएगा। दोनों कंस्ट्रक्शन सेम होते हैं, बस अंतर किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का। यदि प्रेजेंट होगा तो इज एम आर होगा, पास्ट होगा तो वाज वेयर होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या थे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट थे। ओके, आप लोग का भरपूर प्यार मिला है और इतना अच्छा अच्छा आप कॉमेंट्स किए हैं, इतना अच्छा अच्छा कॉमेंट्स किए हैं आप लोग बुक में कि हम क्या आपको बताएं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने बुक का सारा कवर करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख लीजिए, बुक का पूरा कंप्लीट मैं करवाया हूं। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर।